हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आज हम बना रहे हैं स्लीव का डिज़ाइन। अरे वाह, स्लीव का डिज़ाइन। स्लीव का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के लिए जो मैंने मेन स्लीव कट किया वो मैंने 16.5 इंचेस कट करनी है और जो इसकी विड्थ मैंने 14 इंचेस कट किया और फोल्ड करने के बाद ये 7 इंचेस है फ्रेंड्स। और इसी के लिए जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए पैटर्न बनाना है उसके लिए मैंने 4.5 इंच विड्थ वाइज फैब्रिक कट किया और ये 15.5 इंचेस लॉन्ग है क्योंकि हमें 14 चाहिए तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लिया था फ्रेंड्स। और इसके ऊपर भी हमें प्रेस करके फोल्ड करना है और इसे नीचे से भी फोल्ड करके प्रेस करना है और फिर हमें सेंटर में इसकी क्रीज बना लेनी है। इसी तरह हमें फोल्ड करके इसे बना लेना है फ्रेंड्स प्रेस करके। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को प्रेस कर लिया है तो आधा काम हमारा डन हो गया है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेस ज़रूर किया करो। हाँ फ्रेंड्स, तो प्रेस करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। फ्रेंड्स, मेन डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम कट किया जो 4.5 इंचेस विड्थ वाइज है और लॉन्ग भी 4.5 इंचेस। तो आपको स्क्वायर पीस कट कर लेना है बेसिकली और इसे सेंटर से हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स क्योंकि हम ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं। मैं 2.5 इंच रेडी करूँगी तो मैंने 1.2 इंचेस पे मार्क किया है तो ये 2.5 इंच रेडी हो जाएगा जब ये हम कट करेंगे। और इसकी लेंथ में मैंने 3.5 इंचेस कट की और इन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें विड्थ ड्रॉ करनी है इस पैटर्न की और इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा वी पैटर्न कट हो गया है। अरे कमल, ये वी नहीं, ए है। ठीक है प्यारी परी, ए है। तो हमें ए को इस तरह से रखना है और इसे प्रेस कर लेना है फ्रेंड्स। और अब जो है फ्रेंड्स, हमें साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरह हमें स्टिच करने ऊपर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इससे हमारा जो है फैब्रिक साइड में बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड होता है फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक आप जरूर कीजिएगा ट्राई। तो देखिए, हमने इसका सेंटर भी मार्क कर लिया और मैंने वी शेप में कट ही लगाया है और सेम हमें सेंटर मार्क स्लीव पे भी करना है और वी शेप का कट लगाना है। और इन्हीं मार्क के ऊपर फ्रेंड्स हमें हमारे वी शेप के पैटर्न को रखना है और इसे अटैच कर लेना है रफ स्टिच से। तो देखिए, अटैच हो गया और अब हम इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल आपकी बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हम करेंगे इसको कट, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। और कट करने के बाद जब भी आप वी शेप में कोई डिज़ाइन बनाते हो तो इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कट करना है। बस आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। और रफ स्टिच हम निकाल देंगे अभी जो थोड़ी सी रह गई थी और इस तरह से हमें इसे उल्टी साइड टर्न कर लेना है और सेंटर में से हमें इस तरह से घुमाना है जिससे हमारा कट जो है सेंटर का वो सेट हो जाएगा और इसे प्रेस कर लेना है फ्रेंड्स। है ना दोस्तों, प्रेस करने में कंजूसी नहीं। हाँ प्यारी परी, याद दिलाती रहा करो। और इस तरह से अब हम इसकी बिल्कुल एजेस पे सिलाई लगाएंगे। पहले इसे हमारा पैटर्न और भी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं लगानी है तो मत लगाइएगा। तो अब हम करेंगे इसे उल्टी साइड से टर्न और इसके जो हमारा पैटर्न हमने बनाया उसके एजेस पे भी बुकरम की सिलाई लगा देंगे जिससे ये परफेक्टली अटैच हो जाएगा और सबसे मेन बात, हमें तिरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर देना है। तिरपाई करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, अच्छा किया इसे सिलाई से अटैच किया। अच्छा, मेरी तरह तुम्हें भी तिरपाई पसंद नहीं है तो ठीक है। तो अब जो है हमने फ्रेंड्स इसे सिलाई लगा ली, आप भी सिलाई ही लगाइएगा। और नीचे मैंने 1/2 इंच एक लाइन ड्रॉ किया जिसके अकॉर्डिंग हम ये हमारी पट्टी रेडी करेंगे जो हमने प्रेस करके तैयार की थी फ्रेंड्स, वही है। तो इसके ऊपर हमें स्लीव को रखना है इस पट्टी के सेंटर में और बीचों ऊपर से फोल्ड कर देंगे जिससे ये हमारा स्लीव का फैब्रिक बीचों बीच आ जाएगा इसके। और ऊपर से हमें जो हमने मार्क लगाए थे ना उसी के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को सेट करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अरे वाह, ये तो अभी से सुंदर लग रहा है। हाँ प्यारी परी, अगर आप लोग भी इस तरह से भी डिज़ाइन को रखना चाहते हो तो इस तरह से भी ये ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप ऐसे भी रख सकते हो स्लीव का डिज़ाइन, लेकिन हम ये डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा बाउ शेप में रेडी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक देखिएगा। तो बाउ शेप के लिए मैंने एक छोटी सी पट्टी कट की है, ये लगभग 2 इंच के करीब विड्थ वाली थी और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। आप चाहे बारीक भी रेडी कर सकते हैं और इसे स्टिच कर लेना है एक साइड से। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये स्ट्राइप रेडी होगी। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसका भी सेंटर मार्क करना है। तो इस तरह फोल्ड करेंगे हम हमारे ट्रायंगल को, इस तरह से सेट करेंगे जिससे दोनों एजेस बराबर आ जाएं तो मार्क कर लेंगे। तो अब हम करेंगे हमारी नीडल से इसे स्टिच। तो इसी तरह से मैंने बैक साइड से नीडल को स्टार्ट किया स्टिच करना और थोड़ी थोड़ी दूरी से इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है।
और अब जो है हम धागे को इस तरह से पुश करेंगे और इसके ऑल अराउंड इसे लपेट कर इस पर नोट लगा देंगे एंड में, जिससे हमारी शेप जो है परफेक्ट बैठ जाए। तो हो गई डिज़ाइन कंप्लीट? नहीं, अभी तो हमें स्ट्राइप भी ऐड करनी है। तो इस तरह से हमें स्ट्राइप को लगाना है और पीछे से इस तरह से फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा हमें पट्टी को कट कर देना है। और यहाँ से फ्रेंड्स पहले हम फोल्ड करेंगे फिर ओवरलैप करेंगे और नीडल की हेल्प से हमें इसे स्टिच करना है। तो मैं साथ में जो हमने बाओ का फैब्रिक लिया था वो भी मैंने स्टिच किया है, जिससे ये वाली स्ट्राइप वो है वो बाद में लगने के बाद घूमे नहीं, फिक्स रहे अपनी जगह पे। तो इसी तरह आपको भी स्टिच करना है और इसके बाद में इसको नोट लगा के अच्छे से पक्का कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए अब जो है हमारी स्लीव का डिज़ाइन रेडी है। अरे वाह, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है परी। तो ये पहनने के बाद इस तरह से लगेगा और मुझे लगता है ये टाइट स्लीव बनाने में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये लूज स्लीव में अच्छा लगेगा कि टाइट स्लीव में। और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। अरे और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, जिससे आपको सी विद कमल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स प्यारी परी। तो परी की बात को ज़रूर मानना फ्रेंड्स और प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और अब मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। कीप स्पोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।